अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग के स्टूडेंट हैं या आप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं या आप सीख रहे हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें इस लाल बटन को और सब्सक्राइब के बाद इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले हमारे चैनल का लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम आपका चैनल। दोस्तों आज के जो इस वीडियो के सेक्शन में हम आपको बताएंगे हमारे पास में एक सैमसंग का मोबाइल और इसका मॉडल नंबर है दोस्तों सैमसंग का D310E। तो दोस्तों इस मॉडल में प्रॉब्लम क्या था कि हमने इसको फ्लैश किया था, फ्लैश के बाद जो बिल्कुल चालू हो गया था, हमने इसको एक बार ट्राई किया था दूसरी बार फ्लैश करके। और दोस्तों क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक बार जो क्लास में होता है एक बार सही फ्लैश हो और एक बार खराब, एक बार डेड करके भी मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि इससे क्या पता चलता है कि डेड हो जाने पर उसको कैसे रिपेयर किया जाता है। वैसे ही हमने इस मोबाइल को भी एक गलत तरीके से फ्लैश किया था और ये मोबाइल हो गया था डेड। तो अभी इसी के बारे में ये सेक्शन है, यहाँ पर मैं अपने स्टूडेंट से पूछूंगा कि बेसिकली इस मोबाइल के लिए फ्लैशिंग की क्या क्या टिप्स हो सकते हैं, डेड हो जाएगा तो हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आइए मिलते हैं, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स आपको मिलाता हूँ। तो सबसे पहले आइए मिलते हैं स्टूडेंट से। कुलभूषण हरियाणा से आया हूँ मैं। भुवनेश्वर झारखंड से आया। यूपी से। सर मेरा नाम राहुल है, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। सर मेरा नाम राजेश है, मैं राजस्थान से आया। चलिए ठीक है, ये देखिए हमारे साथ में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग स्टेट से आए हैं और अलग अलग राज्यों से हैं यहाँ पर जो सीखने के लिए आए हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो सबसे पहले मुझे बताइए कि हमारे पास जो मोबाइल है सैमसंग का, तो देखिए बहुत से लोग ये समझते हैं कि मोबाइल फोन जो फ्लैश होता है क्या मोबाइल के मॉडल नंबर से फ्लैश होता है या सीपीयू या कैसे फ्लैश होता है, उसके लिए क्या जानना पड़ता है? ये सीपीयू से होता है, उसके सीपीयू बेस से। तो फ्लैशिंग होती है सीपीयू बेस से। तो जैसे हमने देखा सैमसंग का जो हमारा मॉडल है उसमें कौन सा सीपीयू लगा हुआ है? स्पेक्ट्रम का सीपीयू लगा होता है और एक दूसरा सीपीयू भी लगा होता है जो सैमसंग खुद अपना देता है, लोकल सीपीयू देता है, और ये कीपैड मोबाइल में लगा होता है। तो बाकी जो एंड्रॉइड के जो मोबाइल होते हैं जो सैमसंग, उसमें कौन सा सीपीयू लगा होता है? स्पेक्ट्रम का सीपीयू और जाइनॉक्स का, और जाइनॉक्स का सीपीयू लगा होता है। तो सैमसंग अपने में स्पेक्ट्रम भी लगा देता है, जाइनॉक्स भी लगा के देता है और क्वालकॉम भी लगा के देता है। तो दोस्तों ये जो जैसे कि इन्होंने बताया है कि सीपीयू जो फ्लैशिंग होती है वो सीपीयू बेस्ड फ्लैशिंग होती है, वो मोबाइल बेस्ड कभी नहीं होती है। तो चलिए आप मुझे बताइए कि जो इसमें सीपीयू लगा हुआ है वो सीपीयू को, जो स्पेक्ट्रम तो बहुत सारे मोबाइल में लगा है, तो कैसे पहचानना है कि उस स्पेक्ट्रम का क्या सीपीयू है? क्या सर उसका नंबर लिखा होता है? आईसी का नंबर है 6530। तो हमारे जो सीपीयू है उसका नंबर क्या लिखा हुआ है? 6530। ये हमें कब कब जरूरत पड़ती है? ये सर बाजार से खरीदने पे जरूरत पड़ती है। और जब हम रिपेयर करते हैं, आप जब फ्लैशिंग करते हैं तो बूट की जब हम दबाते हैं तो बूट जो आईसी होती है उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, आप बताइए जो हमारे पास में जो कीपैड का मोबाइल है सैमसंग का, तो उसको फ्लैश करने के लिए हमें कौन कौन से टूल की जरूरत है और क्या क्या चाहिए? एक तो हम बॉक्स से कर सकते हैं और दूसरी विदाउट बॉक्स से कर सकते हैं। तो दोनों से कर सकते हैं। पहले बताइए कि बॉक्स कौन कौन से हम यूज कर सकते हैं इसमें? सर बॉक्स हम रिकल बॉक्स, अलादीन और भी बहुत सारे हैं। जो उसका मेन बॉक्स है वो कौन सा है? जैक 3S। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास बॉक्स नहीं है तो? बॉक्स नहीं तो हम विदाउट बॉक्स जैसे क्रैक से कर सकते हैं। क्रैक से कर सकते हैं, मान लीजिए मैं क्रैक से भी नहीं करना चाहता हूँ, क्रैक इंस्टॉल नहीं होता है, कई लोगों का क्रैक डाउनलोड नहीं हो पाता है, वो अच्छे से इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं, तो कैसे करेंगे फिर, कौन सा टूल यूज करेंगे? जो जो आपने बताया कि बॉक्स के साथ भी कर सकते हैं विदाउट बॉक्स और टूल भी आपने बताया, तो ये जो टूल होते हैं इसके लिए कौन सा टूल यूज करेंगे बताइए? सर जैसे हर एक सीपीयू का एक टूल होता है। हाँ, जैसे मीडियाटेक का, मीडियाटेक का कौन सा टूल है? मीडियाटेक का SP Flash टूल है। और स्पेक्ट्रम का रिसर्च डाउनलोड टूल, बिल्कुल रिसर्च डाउनलोड, उसको आप स्पेक्ट्रम अपग्रेडेड टूल भी कहते हैं दोस्तों। तो अच्छा ये जो टूल होते हैं जब हम इनसे फ्लैश कर ही रहे हैं तो हमें बॉक्स क्यों चाहिए थे? सर बॉक्स इसलिए चाहिए क्योंकि उसपे हम रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और फ्लैश भी कर सकते हैं, और उसमें हम कोड को भी रीड कर सकते हैं, मतलब अनलॉक कर सकते हैं, सिम लॉक लगी है, FRP लगा है, FRP अनलॉक कर सकते हैं। तो जो ये पर ये जो सीपीयू के जो टूल होते हैं जैसे आपने SP टूल बताया और रिसर्च डाउनलोडेड, ये केवल क्या करेगा? ये सिर्फ फ्लैश करेगा, ये केवल सिर्फ फ्लैश करेगा। अच्छा अभी हमें क्या क्या चीज चाहिए कंप्यूटर के साथ, हमें क्या क्या चाहिए? सर हम लोग को फ्लैश टूल चाहिए, ओरिजिनल डाटा केबल चाहिए और मोबाइल चाहिए। और मोबाइल चाहिए तो हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है क्या इसमें? इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती, इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती। और मोबाइल और जो फ्लैश कर रहे हैं उसकी फ्लैश फाइल चाहिए? हाँ जो फ्लैश कर रहे हैं उसकी फ्लैश फाइल चाहिए। फ्लैश फाइल चाहिए, चलिए वेरी गुड।
चलिए तो मान लीजिए, आप मुझे बताइए, मान लीजिए कि किसी बच्चे ने अगर गूगल से कोई फाइल डाउनलोड की है स्प्रेटम के फ्लैश टूल की, और मान लो उस टूल का जो फाइल का एक्सटेंशन होता है, तो वो कैसे पता करेंगे कि वो मिरिकल के बॉक्स के लिए या स्प्रेटम के टूल के लिए है? कौन सी वो फाइल का वर्जन है, उसका एक्सटेंशन फाइल का नाम डॉट पैक से पता लगेगा। तो डॉट पैक होगा तो वो किसका होगा? वो स्प्रेटम का, स्प्रेटम के टूल का होगा। और अगर डॉट बिन हुआ तो मिरिकल टूल का होगा। तो दोस्तों यहाँ पर है ना कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि इन्होंने बताया, अगर आपके आपने स्पेक्ट्रम का फ्लैश फाइल डाउनलोड की है, अगर उसमें डॉट पैक लिखा आता है तो उसका मतलब वो मेडिकल है, नहीं डॉट पैक लिखा है रिसर्च डाउनलोड, तो रिसर्च डाउनलोड ही उसको चला पाएगा। जैसे आप एंड्रॉइड के डॉट एपीके को सिस्टम में नहीं चला सकते, आप अपने आईफोन में नहीं चला सकते, वैसे ही जो डॉट पैक है वो केवल रिसर्च डाउनलोड टूल ही चला पाएगा। और अगर बिन फाइल है तो मिरिकल टूल है, तो मिरिकल आपकी डॉट पैक फाइल को नहीं पढ़ पाएगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये बात मानी। अब मुझे बताइए भुवनेश सर, तो आप मुझे बताओ, अगर मैंने जैसे हम लोग ने फोन फ्लैश किया था और फिर हमने उसको डेड भी किया, तो डेड करने के बाद में क्या रीजन थे कि वो कनेक्ट नहीं हो रहा था, क्या हो रहा था उसमें, क्या प्रॉब्लम क्या जा रही थी, क्या करना क्या आपको उसको? सर सबसे पहले चार्जिंग चेक करेंगे, चार्जिंग चेक करेंगे सर, ना उसका मुझे बोर्ड में बताओगे, बोर्ड में बताइए, खड़े होके बोर्ड में बताइए। हाँ तो यहाँ पर भुवनेश्वर देखिए, सामने आपको ये कुर्सी हटाओ, ये वाली भी हटा लो, सामने आपको चार्जिंग कनेक्टर दिख रहा है, थोड़ा पास जाओ, चार्जिंग कनेक्टर दिख रहा है उसके पास जाओ ना, वहां पर जैसे मैं खड़े होता हूँ। हाँ हाँ बताइए, हाँ 5-6 वोल्ट आएगा, मतलब चार्जिंग कनेक्टर में कितनी पिने होती है? 5 पिन होती है, जिसमें पहली पिन कौन सी हो गई? पहले वी चार्ज और बी बस। इसका क्या काम होता है मोबाइल फोन में? बैटरी मोबाइल को चार्ज करने, मतलब इसको 5-6 वोल्ट जो आते हैं इसमें आते हैं। हाँ। दूसरी वाली पिन कौन सी हो गई? दूसरी वाली पिन डाटा यूएसबी माइनस पिन हो गई दूसरी। हाँ, इसका क्या काम होता है? डाटा कनेक्ट करने के लिए। और उसके साथ कौन सी फाइल चाहिए उसको, कौन सी एक और वो चाहिए उसको सप्लाई? डाटा USB प्लस और माइनस दोनों। इसमें देखिए चौथे नंबर की पिन पे क्या लिखा हुआ है, मुझे बताओ चौथे नंबर की पिन क्या है? तो यहाँ पर आईडी लिखा हुआ है, कोलो और चोलो लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? अगर डाटा प्लस और माइनस है, इससे दोनों से अगर कनेक्ट नहीं ले रहा, हाँ, तो ग्राउंड के साथ कोलो चोलो को शॉर्ट कर देंगे। मतलब देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, अगर बूट रिपेयर करना है तो आपको जो 14 वाला पिन है वो ज्यादातर इसमें रीडिंग आती है, रेजिस्टेंस मिलता है, वो एक आईडी का पिन होता है, वो कोलो और चोलो का पिन होता है, जिसको अगर आप बूट के, जिसको अगर आप ग्राउंड के साथ शॉर्ट कर देंगे तो ये फोर्स डिटेक्ट करेगा मोबाइल। हाँ सर, तो फोर्स डिटेक्ट करेगा और आपका मोबाइल यूएसबी फिर से कनेक्शन ले लेगा, जो चीज आपने डेड की है फ्लैश करने के बाद। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, और मैं आपको वो मोबाइल फोन दिखा देता हूँ जिसको हमने फ्लैश किया हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि आपने ये मोबाइल फोन है और इस पे हमने जो ये जम्पर लगाया हुआ है, तो हम आपको दिखा देंगे। तो देखिए इसमें जो ग्रीन कलर की वायर है दोस्तों, तो ये ग्रीन कलर की वायर डी प्लस की होती है, और ये व्हाइट कलर की वायर डी माइनस की होती है, और जो रेड कलर की वायर होती है वो प्लस की होती है वी चार्ज, और जो ब्लैक कलर की वायर होती है जिसको हमने ग्राउंड पे लगाया हुआ है। तो इसका मैंने आपको लिंक दे रखा है दोस्तों, आप अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आप देखेंगे तो वहां पे आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसपे इसका पूरा जम्पर पिक दिया हुआ है, कैसे बनाना है, इसी मोबाइल की फ्लैश फाइल दी है, इसका टूल दिया है, बिन फाइल दी है, सब कुछ आपको मिल जाएगा, आप वहां जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने एक मोबाइल को फ्लैशिंग नहीं दिखाया, क्योंकि मोबाइल की फ्लैशिंग का ऑलरेडी हमने बहुत सारे वीडियो डाल के रखे हैं, हमने एक सैमसंग फ्लैशिंग का डाला था, सेम वैसे ही फ्लैश करना दोस्तों, और आपको यूट्यूब में बहुत सारे ढेरों वीडियो मिल जाएंगे। यहाँ पर हमने उन बातों से आपको अवगत कराया है कि बेसिकली जो फ्लैशिंग तो करना जानते हैं, पर फ्लैशिंग के बाद क्या, अगर बूट अगर डेड हो जाए, अगर मोबाइल डेड हो जाए तो क्या, या उसके बाद में हम बात करें कि अगर फ्लैशिंग के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग करना है हमारे यहाँ, तो नीचे 23 तारीख को नए बैच चालू हो रहे हैं, नीचे दिए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं आपको कॉल नहीं उठा पा रहा हूँ तो आप अपना नंबर और एड्रेस SMS कर दें, और दोस्तों आपको कुछ भी पूछना है तो आप कॉल ना करें, आप नीचे कमेंट बॉक्स पे अपना आंसर क्वेश्चन लिखें, हम आपको आंसर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।
सीखनी है, मोबाइल सॉफ्टवेयर आपको सीखना है, फ्लैशिंग आपको सीखना है, आपको पता करना है कि फ्लैशिंग क्या होती है, स्टॉक रूम किसे कहते हैं, कैसे हम फाइलों की फ्लैशिंग करें, तो आप आज ही डाउनलोड करें एक ऐप्स जो आज हमने लॉन्च किया है। तो आपको करना क्या है कि आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है, एशिया टेलीकॉम लिखना है दोस्तों, कोई सा भी ऐप्स मेरा खोल लेना है, और ऐप्स के नीचे आप जाएंगे और यहाँ पर आपको देवरत्न अग्रवाल दिखाई देगा और मेरे बहुत सारे ऐप्स दिखाई देंगे। वहाँ पे आप मोर पे क्लिक करें दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे नीचे में एक आपको ऐप्स मिलेगा मोबाइल सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। तो ये जो आपको ऐप्स है इसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी, डायरेक्ट आप उसको क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे, इसको आज के डाउनलोड करें। केवल 2.1 MB का ये ऐप्स है दोस्तों, और इसमें मैंने बताया है सब तरह की फ्लैशिंग, और इसमें मैंने आपको यहाँ पर सब तरह के यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक इंस्टीट्यूट में बताया जाता है, तो यहाँ पर आपको मैंने कोशिश की है कि सब तरह का यहाँ पर ज्ञान। तो दोस्तों यहाँ पर आपको करना है इसको ओपन, और इंस्टॉल करने के बाद में दोस्तों ये जैसे ही ओपन होता है तो इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। आपको करना है एंटर टू इंस्टीट्यूट, तो आपको यहाँ पे एंटर टू इंस्टीट्यूट पे क्लिक करना है, और जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे आ जाएंगे मोबाइल सॉफ्टवेयर फॉल्ट। तो यहाँ क्या मोबाइल सॉफ्टवेयर के क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं, स्मार्टफोन रिपेयरिंग होता क्या है, फ्लैशिंग किसे कहते हैं, फ्लैशिंग के टाइप, यूएसबी केबल से क्या फ्लैश किया जाता है, फ्लैशिंग तो मोबाइल फ्लैशिंग विद यूएसबी केबल क्या होती है, मोबाइल फ्लैशिंग विद विदाउट यूएसबी केबल अगर हम बात करें, विद बॉक्स यहाँ पे सब बताया गया है, स्टॉक रोम, कस्टम रोम, रिकवरी टाइप, कस्टम रिकवरी, स्टॉक रिकवरी, और दोस्तों यहाँ पे आपको सब हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, और हाउ टू यूज रिकवरी मोड और ये सारी चीज़ें, व्हाट इज मोबाइल फ्लैशिंग टूल, सीपीयू बेस क्या होता है, तो यहाँ पे आईफोन की फ्लैशिंग, उसका आईफोन का टूल, आईफोन का ड्राइवर, यहाँ पे सब कुछ देखो दोस्तों आपको यहाँ पे सब कुछ देखने को मिलेगा। आईफोन एप्पल में पासकोड कैसे अनलॉक करते हैं, डीएफयू मोड पे कैसे लाते हैं, सैमसंग का सारे उसके सारे वर्जन आपको यहाँ पे वन क्लिक से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके सारे ड्राइवर आप डाउनलोड कर सकते हैं, FRP reactivation, और यहाँ पे Samsung FRP tool, MediaTek, तो यहाँ पर आपको MediaTek के सारे मिल जाएंगे स्टेप बाय स्टेप बकायदा पिक्चर के साथ। Xiaomi में मिल जाएगा आपको Xiaomi के टूल, कैसे उसको अनलॉक करें अकाउंट, स्प्रेटम मोबाइल, तो दोस्तों यहाँ पे आपको नोकिया, और फिर उसके बाद में फ्लैशिंग बॉक्स के क्रैक वर्जन, GSM टूल, तो यहाँ पे आपको दोस्तों ये सब देखने को मिलेंगे। तो इसको आज ही डाउनलोड करें और इसका लाभ उठाएं दोस्तों, और अगर आपको इससे संबंधित कुछ भी पूछना है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, कॉल मत कीजिएगा। अगर आपको रिपेयरिंग सीखनी है खुद हमारे इंस्टीट्यूट आके, तो आपको जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल कर दीजिएगा, और वो भी आपसे कॉल कर सकते हैं 12 और 5 बजे के बीच में। धन्यवाद। हमारे ऐप्स डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एशिया टेलीकॉम सर्च करें, एशिया टेलीकॉम लिखें, और एशिया टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप्स जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफ़ी ऐप्स हैं जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफ़ी ऐप्स आपको मिल जाएंगे। इसको इन ऐप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। An ISO 9001 and 2008 Certify Institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.